السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك يا مشرك؟ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में, जिसका नाम है लो सामो। Sie können keine Blockhütten Wald bauen, wo wir Namen draufschreiben und dann warten, bis irgendeiner sich verläuft. लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी जिनको मैं चाहता हूं, उनका हाल यह है, जब माँ उनकी उंगली पकड़कर लेकर बचपन में उस्ताद के यहाँ ले गई थी, तो उस्ताद की बारगाह में बैठे हजरत अब्दुल कादिर जीलानी अभी छोटे ही हैं, 4 साल की उम्र है, और माँ लेके उस्ताद के पास पहुंची तो उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और उसके बाद पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ते पढ़ते अलिफ लाम मीम ज़ालिकुल किताबुल आरिफ, पहला पारा पढ़ा, आहा, दूसरा पारा पढ़ा, आहा, तीसरा पारा पढ़ा, आहा, चौथा पारा पढ़ा, आहा, पांचवा पारा पढ़ा, आहा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, इस तरह से पढ़ते पढ़ते तकरीबन 18 पारे पे जब पहुंचे तो उस्ताद कहने लगे, रुको 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 जरा, अभी तक तो अब्दुल कादिर पढ़ते न थे और जब पढ़ना शुरू किया तो रुकते न थे। उस्ताद कहने लगे, साहबजादे पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए? मैं उसका मुरीद हूँ जिसने जुल्फे रखवाई थी, मैं उसका मुरीद हूँ जिसने दरिया रखवाई थी, मैं उसका मुरीद हूँ जिसे इमामे बनवाए, मैं उसका मुरीद हूँ मौला जिसने हमको मदीना मदीना कहना सिखाया, मैं उसका मुरीद हूँ जिसने तेरी हबीब की शफात का हमें पता बताया, मैं उसका मुरीद हूँ जिसने हमें आला हजरत के बड़े शहजादे उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा नहीं हुआ था, इतने खूबसूरत थे। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम लाहौर की सरजमीन पे तशरीफ ले जाते हैं, किसी जलसे में शिरकत के लिए जाते हैं, रास्ते में रास्ते से गुजर हो रहा है, अचानक एक गैर मुस्लिम की नजर हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पे पड़ती है, गैर मुस्लिम ने पूछा ये कौन है, तो बताने वाले ने बताया बरेली के बड़े मौलाना है जिनको आला हजरत कहा जाता है, जिनको अहमद रजा खान कहा जाता है, बोले कौन है, बोले ये उन्हीं के बड़े शहजादे हैं, ये हर वक्त अपने चेहरे पे नकाब डाल के रखते हैं। फजर की नमाज में जब इमाम पहली रकात पढ़ रहा हो तो क्या इस वक्त जल्दी से सुन लो भाई, इमाम पहली नहीं दूसरी भी पढ़ रहा हूँ, आपको उम्मीद है कि मैं सलाम से पहले पहले सुन्नत किसी कोने में पढ़ के इमाम के पास शामिल हो जाऊंगा तो बिल्कुल जाए, आप पढ़ सकते हैं किसी न किसी कोने किसी न किसी कोने में ठहर के। عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه। نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھ کے निकल रहे थे तो आपने देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, आप पास खड़े हो गए, सलाम फेरा और आपने फरमाया करीब है कल से कोई फजर की 4 रकते पढ़ना शुरू कर दे, ये तुमने क्या पढ़ा है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी जो पहले वाली 2 रकते थी सुन्नत वो रहेगी, मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, इसे कहते हैं हदीसे तकरीरी, आपने उसको मना नहीं किया। इससे साबित हुआ कि फजर की नमाज के बाद फौरन बाद भी सुन्नत पढ़ी जा सकती है जिसकी रह गई हो। यहाँ ये हाल होता है बरेलवी देवबंदी हनफियों की मस्जिद में, इमाम फजर की नमाज पढ़ रहा होता है, उन्हें अपने पीछे सुन्नतें जारी की हुई होती है, वैसे कहते हैं जी किरात सुनना जरूरी है, वहां किरात भी, और ये फजर की सुन्नतें इनके लिए इतना बड़ा एक भारी पत्थर है इनके सर के ऊपर कि बाज का सुनते पढ़ते हुए वो जमात रह जाती है, और अगर शामिल भी हो जाए ना
बगैर सुनते पड़े तो फिर उनको ये कहते हैं कि जब तक सूरज ना निकले तुसी बैठे रहना है, तो फिर बेचारे ठीक ही करते ना कि पहले ही दाब लेते रहे। उसामा नाम के एक भाई सवाल पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या शिया के घर का खाना खाना जायज है? हमने बहुत सारे लोगों से सुना है कि शिया खाने के अंदर थूक देते हैं, इस बात की क्या हकीकत है? उसामा भाई ये बात याद रखें कि शियों के बारे में ये बात मशहूर है कि ये लोग अहले सुन्नत को खाने के अंदर गंदगी या गलाजत मिलाकर खिलाने के आदी हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम कम से कम 10-10 तुरक आए हैं इसके। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे हौज़े कौसर पे मेरे कुछ साथी लाए जाएंगे मेरे सहाबा में से, और मैं जब उनको हौज़े कौसर से पिलाने लगूंगा तो मुझे वो बताएंगे कि अल्लाह के नबी आपकी वफात के बाद ये दीन से उल्टे कदम फिर गए थे और उन्होंने दीन में बिदअतें जारी कर दी थी। आप फरमाते हैं मैं कहूंगा सुहकन सुहकन लिमन गैर बादी, इन पे फिटकार हो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया और मेरे उनके दरमियान एक आड़ कायम कर दी जाएगी। मैं भी उस वक्त वही कहूंगा जो अब्द साले ईसा इब्न मरियम कहेंगे। हुजूर ने फिर सूरह माईदा की आयत तिलावत की कि मैं भी कहूंगा अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू इन पर गवाह था। अब जब ईसा इब्न मरियम कहेंगे ना कि अल्लाह ये तेरे बंदे हैं चाहे बख्श दे चाहे अजाब दे, तो अल्लाह ताला तरस नहीं खाएगा। अल्लाह फरमाएगा आज का दिन वो है कि जब सच्चों को सच्चा अकीदा ही फायदा देगा। नाखून काटने का सुन्नत तरीका इलियास कादरी साहब से पूछें। हदीस में तो सिर्फ नाखून काटने का जिक्र है, सही मुस्लिम में 40 दिन के अंदर एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर जरूरी बाल और नाखून काटने का हुक्म फरमाया, और ये 40 लेट से लेट है। वैसे तो हर वीक में काट लिए जाए लेकिन ज्यादा से ज्यादा 40 दिन के अंदर एक दफा आपने नाखून और गैर जरूरी बाल साफ करने हैं। बाकी वो जो बताते हैं ना तरीका दाएं हाथ से शुरू करके फिर दाएं पे खत्म करना, ये इन्होंने खुद ही लिखे हुए। أن المقصود والمراد من معنى الله في القرآن هو علي ابن أبي طالب سلام الله عليه. يا معقد. أشوف النقاط نبي الإسلام، لكن نبي الإسلام کی قبر کی مٹی جو عرصے افضل نہیں ہے. ذہن میں رکھیں. کیونکہ اگر آپ اس قبر کی مٹی کو عرصے افضل مانیں گے تو وہ قبریں تو حضرت ابو بکر عمر کی کٹی ہیں. وہ ریاض الجنہ ایک ہے. پھر پورا ریاض الجنہ اللہ کے عرصے افضل ہو جائے گا. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے. پھر نبی اسلام کے بال مبارک تھے صحابہ کے پاس، کسی صحابی نے کہا یہ حضور کا بال یہ دیکھو عرصے افضل ہے؟ کبھی نہیں کہا، بال تھا اوریجنل، جسم کا ٹکڑا تھا نا، مٹی تو جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو مانتے ہیں نا. کبھی کسی صحابی نے کہا؟ یہ عقیدہ بدعت ہے، یہ خود انہوں نے گھڑا ہے، یہ عقیدہ گھڑا گیا ہے.